के एग्जाम होंगे तो दोनों एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते। तो हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बयान। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, यूके ट्रिपल सी चाइना की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी हुई है। हमारे आयोग के चेयरमैन जीएस मोर्तोलिया जी खुद लाइव हैं, इसमें आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा। पहले इस पर थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। मित्रों, यूके ट्रिपल सी चाइना के पास महज अगले 6 महीनों तक का ही काम है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पेपर लीक के मामले में जब हमारा यूके ट्रिपल सी चाइना घिरा हुआ था, हमारी 23 भर्तियाँ जो है एक एक्ट में संशोधन करके हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास गई हुई थी, क्योंकि ग्रुप सी की भर्तियां जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराता था। एक्ट में संशोधन करके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास हमारी ये ग्रुप सी भर्तियां गई हुई थी। तो अब दोस्तों, हमारी आयोग के पास महज 6 महीनों तक का ही काम है, क्योंकि अभी तक उस एक्ट में संशोधन नहीं किया गया है। अभी के एक्ट में ग्रुप सी की भर्तियों की जिम्मेदारी भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास ही है। तो मित्रों, इस पर हमारे जीएस मोर्तोलिया जी का क्या कहना है, वो तो हम आपको इसमें दिखाएंगे ही। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से अब संबंधित एक्ट में एक बार फिर से संशोधन की डिमांड की गई है, ताकि आयोग को फिर से उन भर्तियों की जिम्मेदारी मिल सके जो पूर्व में उन्हीं के द्वारा आहूत की जानी थी। प्रदेश में करीब 1 साल पहले विभिन्न भर्तियों में पेपर लीक मामला में चर्चा में था। खास बात यह कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली भर्तियों में धांधली होने की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद तमाम जांचों के आधार पर कुछ भर्तियां रद्द कर दी गई थी। और उत्तराखंड में यह मामला सामने आने के बाद करीब 7,000 पदों वाली भर्तियों को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हटाकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दे दिया गया था। इसके लिए 9 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में के दौरान सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल ने भर्तियों को यूकेएसएससी से हटाए जाने का निर्णय लिया था। और कैबिनेट ने इस फैसले के बाद एक्ट में संशोधन के कारण अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भर्तियों की कमी दिखने लगी है। हालांकि सितंबर से मार्च तक के आपको जो 1400 भर्तियों का कैलेंडर आयोग ने जारी किया वो तो हैं, उसके बाद आयोग के पास कोई काम नहीं है। लेकिन इसके बाद अध्याचन आएंगे या नहीं आएंगे ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर संशोधन नहीं किया गया है। और आयोग ने भी दोस्तों यहाँ पर संशोधन की बात कही हुई है, सरकार के सामने, शासन के सामने रखी गई है। चलो आपको सुनाते हैं आयोग के हमारे चेयरमैन जीएस मोर्तोलिया जी का इस पर क्या कहना है। तो मार्च तक तो हमारे पास अपने आप में बहुत काम है हमारे पास, क्योंकि उस बीच में जो भी कुछ स्लॉट बचा भी है अगर, तो उसमें और कमीशन के एग्जाम होंगे, तो दोनों एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते, तो उन दूसरे से कोऑर्डिनेशन से हम अपने डेट फिक्स करते हैं। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जल्दी इस एक्ट को अमेंडमेंट करेगी जो 14 सितंबर 2022 को किया था। अगर अमेंड होता है तो हो सकता है कुछ भर्तियां और आए हैं हमें, उस बीच में उनको भी हम लोग समायोजित करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि मार्च अप्रैल तक जो नई विज्ञप्ति, नई वैकेंसी आती है उसको भी हम लोग करने का प्रयास करें।